अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वीकली स्पोर्ट्स मैगजीन खेल और खिलाड़ी का एक और शुमारा और हम हाजिर खिदमत। नाज़रीन, उम्मीद है आप बखैरियत होंगे। नाज़रीन, आज 26 मई है और आज से ठीक 79 साल कबल 26 मई 1928 को एम्स्टर्डम हॉलैंड में भारत की मेंस हॉकी टीम ने अपना पहला ओलंपिक हॉकी गोल्ड मेडल जीता था। ये नेशनल गेम में पहला ओलंपिक मेडल था और इस तरह से उस दौर की, उस तारीख की शुरुआत हो गई जिसने बाद में दुनिया की हॉकी पर बालादस्ती कायम की। तो 26 मई की अहमियत हो गई खेलों की दुनिया में और आज 26 मई 2017 के रोज़ एक बहुत ही बड़े खिलाड़ी की बायोपिक या बायोग्राफिकल फिल्म रिलीज़ हुई और जो सिनेमा घर हैं वो क्रिकेट स्टेडियम्स में तब्दील हो गए। इसकी बात प्रोग्राम के आखिर पर हम करेंगे। इसके अलावा प्रोग्राम में लोकल स्पोर्ट्स पर नज़र डालेंगे और नेशनल और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर भी राउंड अप जो है पेश खिदमत होगा। और मैं आपसे वादा कर सकता हूं, आज हमारे स्टूडियोज़ में एक बहुत ही ख़ास मेहमान बिल्कुल हमारे साथ मौजूद हैं और एक ज़बरदस्त मकबूल खेल पर बात करेंगे। तो इस सब के लिए आप ज़रा सा इंतज़ार कीजिए। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं जम्मू और कश्मीर की मुकामी खेल खबरों से। इसके लिए चलते हैं मेरे साथी इमरान बशीर के पास। शुक्रिया इमरान गुल और आदाब नाजरीन। लोकल स्पोर्ट्स में सबसे पहले हम बात करेंगे फुटबॉल की, और फुटबॉल के हवाले से इस हफ्ते की दिलचस्प खबर यह है कि कल श्रीनगर के टीआरसी एस्ट्रोटर्फ फुटबॉल ग्राउंड में रियासत के स्पोर्ट्स मिनिस्टर मौलवी इमरान रजा अंसारी ने जम्मू कश्मीर की पहली फुटबॉल अकेडमी का इफ्तिताह किया। इस मौके पर इंटरनेशनल फुटबॉलर महराजुद्दीन वड्डू समेत कई खास अशखास मौजूद थे। जम्मू और कश्मीर एमेच्योर सॉफ्ट टेनिस एसोसिएशन ने स्टेट जूनियर सॉफ्ट टेनिस टीम्स बॉयज और गर्ल्स के लिए सिलेक्शन ट्रायल्स का इनेकाद कर रहे हैं। ये ट्रायल्स 1 जून को घिंदन स्टेडियम में मुनक्कद की जाएंगी। मुंतखब खिलाड़ी 12वीं जूनियर नेशनल सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप में रियासत की नुमाइंदगी करेंगे। अब बात करेंगे हार्वर्ड इंटर स्कूल फुटबॉल टूर्नामेंट की। हार्वर्ड इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट एंडॉल बिस्को ने जीत लिया। फाइनल में उन्होंने टाई ब्रेकर के जरिए ग्रीन वैली स्कूल को हराया। सेकेंड डिवीजन आई लीग में नीरोका एफसी ने कश्मीर एफसी को 4-1 के स्कोर से सिंथेटिक टर्फ टीआरसी में हराया। अब इस सीजन के आखिरी मैच में 28 मई को कश्मीर एफसी का मुकाबला दिल्ली यूनाइटेड से होगा। श्रीनगर के फैजानुल शफी को नेशनल कबड्डी कोचिंग कैंप में शामिल किया गया है। ये कश्मीर के पहले खिलाड़ी हैं जिनको नेशनल ध्यानचंद स्टेडियम में एडवांस ट्रेनिंग दी जाएगी। शोपियां में रग्बी चैंपियनशिप इख्तिताम पजीर। स्पोर्ट्स स्टेडियम में मुनक्कद इस चैंपियनशिप में जिला के 20 टीमों ने हिस्सा लिया। यंग बॉयज एफसी क्लब ने मुत्तू स्टेडियम सोपोर में अमरगढ़ कप जीत लिया। फाइनल में उन्होंने पीएमएस बिल्लू पांजीपुरा को 5-3 के स्कोर से हराया। आर्मी की तरफ से वित्रगाम में क्रिकेट टूर्नामेंट इख्तिताम पजीर। फाइनल में हरनू 11 ने वित्रगाम 11 को 41 रन से हरा दिया। आदिल अहमद को मैन ऑफ द मैच और क्रीरी के आसिफ अहमद को मैन ऑफ द सीरीज के एवाज से नवाजा गया। जम्मू डिवीजन में डिस्ट्रिक्ट लेवल इंटर जोनल कंपटीशन जारी। एपीएस मिरान सब बॉयज और एसओएस गर्ल्स ने अंडर 17 हॉकी के फाइनल जीत लिए। रियासी में गोपी रसलर ने 54वीं एनुअल मैरी कांबल दांगल खिताब जीत लिया। फाइनल में उन्होंने हरियाणा के रसलर तेजवीर को हराया। विशाल एकेडमी ऑफ ताइकांडू ने जम्मू डिस्ट्रिक्ट ओपन ताइकांडू चैंपियनशिप जीत ली। एमए स्टेडियम जम्मू में मुनक्कद इस चैंपियनशिप में आरपीएस दूसरे नंबर पर रहे। वॉलीबॉल एसोसिएशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर 21 रोजा ट्रेनिंग के लिए 6 जून से सिलेक्शन ट्रायल्स का इनेकाद कर रहे हैं। ट्रायल्स अंडर 16 और अंडर 14 एज ग्रुप्स के लिए एमए स्टेडियम जम्मू में मुनक्कद होंगी। रोलर एथलीट स्केटिंग क्लब ने जम्मू में टैलेंट सर्च एंड गेम प्रमोशन के नाम से स्पेशल टूर्नामेंट का इनेकाद किया। इस टूर्नामेंट में केसी इंटरनेशनल स्कूल ने 28 गोल्ड, 22 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज मेडल समेत कुल 63 मेडल्स हासिल किए। और अब यह खबर कि जम्मू कश्मीर की लड़कों और लड़कियों की ताइकंडो टीम इन दिनों राजस्थान में है जहां वो भगवान महावीर ओपन नेशनल ताइकंडो चैंपियनशिप में हिस्सा लेंगे। और आखिर पर यह खबर, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल अश्वा मुकाम बारामूला ने एक रोड रेस का इनेकाद किया। इस रेस में सुहेल अहमद, शौकत अहमद और जुबैर अहमद ने बिलतरतीब पहली, दूसरी और तीसरी पोजिशन हासिल की। तो अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए हम चलते हैं वापस इमरान गुल के पास।
नाजरीन ये था लोकल स्पोर्ट्स राउंड अप और अब हम बात करते हैं नेशनल और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स की। सबसे पहले आर्चरी की बात करते हैं। आर्चरी के वर्ल्ड कप में भारत ने अपना पहला गोल्ड मेडल जीता। भारत को अपना पहला आर्चरी वर्ल्ड कप गोल्ड दिलाने वाले खिलाड़ी रहे अभिषेक वर्मा, राजू चिन्ना और अमनजीत। तो इन आर्चर्स की बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस आर्चरी वर्ल्ड कप में। और अब बात बैडमिंटन की। गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में सुधीरमान कप जो है वो जारी है और भारत की टीम मिक्स टीम इवेंट्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। चीन के साथ भारत के बैडमिंटन खिलाड़ियों का मुकाबला होगा। जुमेरात से डसलडॉर्फ जर्मनी में भारत, जर्मनी और बेल्जियम की मेंस हॉकी टीमें तीन मुल्की इन्विटेशनल टूर्नामेंट में मुकाबला करेंगी। मनप्रीत सिंह भारत की कायादत करेंगे। यूरोपा लीग का फाइनल खेला गया और मैनचेस्टर यूनाइटेड की टीम ने अयाक्स को 2-0 से हराकर टूर्नामेंट जीत लिया। मैनचेस्टर यूनाइटेड की टीम को इस तरह चैंपियंस लीग 2018 में डायरेक्ट एंट्री मिल गई। इधर चैंपियंस लीग 2017 का फाइनल यूवेंटस और रियल मैड्रिड की टीमों के दरमियान खेला जाएगा। दोनों ही टीमें 3 जून के रोज होने वाले फाइनल के लिए तैयारी कर रही हैं। रियल मैड्रिड और यूवेंटस के माबैन चैंपियंस लीग 2017 का फाइनल मैच। लियोनेल मेसी की तरफ से शायकीन फुटबॉल के लिए जरा सी मायूसकुन खबर। उनको जेल हो सकती है 21 महीने की। सुप्रीम कोर्ट जो स्पेन का है उन्होंने उनकी अपील खारिज की है टैक्स की फ्रॉड के केस के सिलसिले में। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी बस अब चंद कदम के फासले पर। यकुम जून से इंग्लैंड में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज होगा। 8 टॉप टीमें शिरकत करेंगी। विराट कोहली की क्यादत में भारत की टीम अपने एजाज का दिफा करने की कोशिश कर रही है इंग्लैंड में। जो अनिल कुंबले हैं उनकी बात भी हम जरा देर बाद करेंगे। आईपीएल की बात करते हैं। आईपीएल खेला गया। ये अनिल कुंबले हैं और भारत के कोच हैं गुज़श्ता 1 साल से। और अनिल कुंबले के कॉन्ट्रैक्ट में डायरेक्ट एक्सटेंशन नहीं किया गया है। भारत के बोर्ड ने 31 मई तक दरख्वास्तें जो है उनका वेबसाइट पर जो है उनको बुलाया है। इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका की टीमों के माबैन पहला मैच खेला गया 3 वनडे की सीरीज का और इंग्लैंड की टीम ने इसमें कामयाबी हासिल की ओयन मॉर्गन की सेंचुरी की बदौलत। नाजरीन आईपीएल की बात भी करते हैं। आईपीएल का 10वां एडिशन इख्तिताम पजीर हुआ और मुंबई इंडियंस की टीम ने रोहित शर्मा की कैप्टनसी में अपनी 3री कामयाबी हासिल की। एक बहुत ही सनसनीखेज फाइनल में 1 रन से मुंबई इंडियंस ने हरा दिया राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स की टीम को। तो ये थी नेशनल और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स की खबरें। और अब मेरे साथ ही साजिद हमीद बिल्कुल बैठे हैं करीब में। तो साजिद साहब आज मिलाइए हमारे नाजरीन को आज के मेहमान से और किस मौजू पर आप बात कर रहे हैं। नाजरीन आज की नशस्त में जो हमारे मेहमान हैं उनसे आपको तारुफ कराने से पहले यहाँ ये बात बताना बहुत जरूरी है कि पिछले 16 साल से अपनी रियासत के फुटबॉल का परचम मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बुलंद रखने में इनका कलीदी रोल रहा है। ना सिर्फ ये बल्कि मुल्क के जो बहुत बड़े बड़े टूर्नामेंट होते हैं जैसे आई लीग है या आईएसएल लीग है इनमें इनकी शिरकत बिल्कुल यकीनी रहती है। जाहिर बात है कि इनकी जब परफॉर्मेंस अच्छी होती है तो हमारा सर फख्र से बहुत ऊँचा होता है। मेरी मुराद मेराजुद्दीन वडू से है। मेराज बहुत खुश आमदीद आपका प्रोग्राम में। जारी बात है कि एक मैं समझता हूँ कि एक सुनहरी मौका होता है हमारे लिए जब भी आपको बाहर खेलने से जो फुर्सत मिलती है तो आप यहाँ आते हैं। तो जारी बात है कि आपकी जो एक्सपीरियंसेस होती है साल भर की वहाँ और जो यहाँ जो नज़र आपकी जो पैनी नज़र रहती है यहाँ के फुटबॉल पे इससे आपसे हमें मुतारिफ होने का मौका मिलता है, आपसे बात करने का मौका मिलता है। खुश आमदीद आपका हमारे प्रोग्राम में। तो सबसे पहले तो मैं बिल्कुल यही जानना चाहता हूँ ना सिर्फ मैं बल्कि जो हमारे फुटबॉल शायकीन हैं वादी के या रियासत के कि आपकी नज़र में जो फुटबॉल का हमारा इस वक्त का सीनेरियो है आपको मालूम है कि सर्दियाँ ख़त्म हो चुकी है मेरे ख्याल में अप्रैल से। ठीक है बीच में कभी कभी हल्की बूंदाबांदी होती है लेकिन मौसम है सूटेबल फुटबॉल खेलने के लिए। तो क्या आप समझते हैं कि हमने इन द अर्नेस स्टार्ट किया है फुटबॉल खेलना क्या अभी लग रहा है आपको कि कुछ सुस्ती से आ गई है? वेल सबसे पहले साजिद साहब मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। ये तो आपका प्यार है जो मुझे यहाँ पर हमेशा खींचा लेके आता है। और जहाँ तक फुटबॉल का सवाल है यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर का, हाँ थोड़ी सी सुस्ती तो आई है क्योंकि अभी तक मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ होना चाहिए फील्ड्स में और जो हमारी
टीमें हैं वो हरकत में होनी चाहिए, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो फुटबॉल के ज़िम्मेदार लोग हैं उनके कुछ अलग से प्लान्स हो गए, तो आई होप कि वो अच्छे से वर्क करेंगे और हमको मतलब अपनी फुटबॉल आगे बढ़ाने का मौका। मैं साहब फुटबॉल के बारे में तो आपसे मेरी बात होती रहेगी, लेकिन एक बात हम अपने नाज़रीन को भी बताएं कि अगर आप अपनी आरा अपनी कोया कमेंट या अपना कोई सवाल मेरा इससे पूछना चाहते हैं तो बराह रास्त इनसे आप सवाल पूछ सकते हैं। इसके लिए हमारे टेलीफोन नंबर आते हैं 2481813 और 2481832। ज़रूर मेरा इससे पूछें, इनकी एक्सपीरियंसेस जो बाहर होती है या यहाँ के फुटबॉल के बारे में आप बिला खौफ इनसे सवाल पूछ सकते हैं। जी, तो अब क्या चाहते हैं कि एक तो मेरे ख्याल में फुटबॉल टूर्नामेंट्स जो है इनकी इन दिनों सब स्टार्ट होनी चाहिए, क्योंकि आपको मालूम है कि यहाँ की जो फुटबॉल टीमें हैं उनकी तादाद कितनी है, जूनियर लेवल पर कितनी है, सीनियर लेवल पर कितनी है, तो इन दिनों मेरे ख्याल में आप मेरे ख्याल में फुटबॉल एसोसिएशन को इस जिम्मे में कदम उठाया जाना चाहिए। जी, ज़रूर उठाना चाहिए, लेकिन आई एम श्योर कि वहाँ पर कुछ ऐसे वजूहत होंगे जिसकी वजह से उन्होंने ये कदम नहीं उठाया, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में जल्दी से जल्द कुछ ऐसे टूर्नामेंट सामने आए जिससे कि हमारी जो फुटबॉल टीम्स हैं यहाँ पे वो फिर से खेलने लगे। अच्छा, मेरा जो चूँकि कई बार हमने इस बात का तज़किरा कहा है और अब भी अगर दोबारा याद इस बात का करें कि अकेले फुटबॉल एसोसिएशन का भी काम नहीं है, ठीक है उनका काम है कि फुटबॉल टूर्नामेंट्स मुनक़द करना, लेकिन मैं समझता हूँ कि यहाँ के जो सरकारी दफातर हैं या सरकारी बड़े बड़े मतलब जे के बैंक की टीम आपको मालूम है कि उस जुम्मे में भी मेरे ख्याल में जैसे कि कल आपकी जो फंक्शन थी उसमें भी तज़किरा हुआ इस बात का कि गवर्नमेंट के मुख्तलिफ इदारों को सामने आना चाहिए और जो फुटबॉल की जो टीमें हैं उनका मिलकर रिक्रूटमेंट का एक सिलसिला मिलेगा, फुटबॉल को आगे बढ़ाने का एक सिलसिला मिलेगा उससे। जी हाँ, मैं समझता हूँ कि जहाँ तक फुटबॉल का सवाल है, अगर आप जम्मू एंड कश्मीर फुटबॉल एसोसिएशन को अकेले ज़िम्मेदार ठहराएंगे वो ठीक नहीं होगा, क्योंकि गवर्नमेंट का भी इसमें अच्छा खासा हाथ होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को भी थोड़ी बहुत हरकत में आना चाहिए। यहाँ पे फुटबॉल टीम जो है जम्मू कश्मीर बैंक, JKSRTC, फॉरेस्ट की टीम, अगर ये सब जो पावर डिपार्टमेंट की टीम थी, आप हाल ही में देख रहे हैं कि मतलब जम्मू एंड कश्मीर फुटबॉल टीम ट्रेनिंग नहीं कर रही है बहुत टाइम से, ये सब टीमें अगर फील्ड में आएगी तो फुटबॉल का एक अलग सा माहौल बन जाता है। तो मुझे लगता है कि चाहिए कि गवर्नमेंट को इन सब टीम को वापस फुटबॉल में लाएं ताकि जो हमारा फुटबॉल है कश्मीर का, जम्मू एंड कश्मीर का, अच्छा ग्रास रूट लेवल पे फुटबॉल को रिवाइव करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि आपको मालूम है कि अगर ग्रास रूट लेवल से आप टैलेंट को पहचानेंगे, उनको ग्रूम करेंगे, तो कुछ कोशिशें पिछले 2-3 साल से मुख्तलिफ अकॉमोडेशन यहाँ पर तश्कील दी गई, लेकिन सस्टेन करना फिर बहुत मुश्किल होता है। एक दो है FCA जैसा कि लोन स्टार अकॉमोडेशन में है, और तो क्या आप समझते हैं कि जो आपने अब कल जो लॉन्च किया आपने स्पोर्ट्स काउंसिल की तरफ से आपको जिम्मेदारी आपको हेड बना दिया गया उसका, तो क्या आप समझते हैं कि ये राइट स्टेप है राइट डायरेक्शन में? जी ऑफकोर्स, मैं समझता हूँ कि राइट स्टेप है राइट डायरेक्शन में, क्योंकि फुटबॉल स्टेट फुटबॉल एकेडमी एक ऐसी चीज़ है मतलब जिसको हमारी स्टेट को बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि जब मैं भी फुटबॉल खेलता था तो मेरा भी एक सपना था कि मैं ख्वाब था कि हमारी स्टेट में एक फुटबॉल एकेडमी हो जिसमें हम खेल सकें, लेकिन हमने फुटबॉल जो खेला वो या तो घर के बाहर ग्राउंड में खेला या तो यहाँ पे कई क्लब में खेला जी, लेकिन फिर भी हमने मेहनत की। और कलामी के लिए माफी चाहता हूँ, कॉलर काफी देर से लाइन पर है, पहले इनकी कॉल लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, अपना तारुफ कराइए, अपना नाम बताइए और कहाँ से हैं आप? जी मैं फयाज सूफी बांडीपोरा से आपसे बात कर रहा हूँ। जी मेरा सवाल यह है कि बांडीपोर में एक बहुत ही खूबसूरत स्टेडियम है जहाँ साल भर फुटबॉल एक्टिविटीज जारी रहती हैं। मेरा साहब भी इनफैक्ट कुछ एक दो मैच मेरा साहब ने भी उस स्टेडियम में खेले हैं। जी। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि हमारा जो टैलेंट है वो खुद ही है, मतलब वो लड़के जो हमारे हैं वो खुद ही खेलते हैं, न कोई उनको कोई सपोर्ट नहीं होता, स्पोर्ट्स काउंसिल से आता है ना ही J&K फुटबॉल एसोसिएशन से आता है। मैं चाहता हूं कि महाराज साहब एक बार जरूर बांडीपुर आए और यहां फुटबॉल का टैलेंट वो जरूर देखे। फार फ्लंग एरियाज में टैलेंट की कोई जी टैलेंट की कोई जरूरत नहीं, निशानदेही की जरूरत है, आइडेंटिफाई करने की जरूरत जी जरूरत है, क्योंकि ये भाई जो बोल रहे हैं एकदम अच्छा सवाल पूछा है इन्होंने, क्योंकि ये जो हम ज़्यादातर कॉन्सेंट्रेट हम श्रीनगर पे ही करते हैं और जो श्रीनगर के बाद ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट हैं उस पर हम ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, इसी वजह से कि वहाँ से ज़्यादा प्लेयर नहीं आ रहे हैं। लेकिन जो अभी हम स्टेट फुटबॉल एकेडमी जो बना रहे हैं ये एक प्रोजेक्ट, रिस्पॉन्स कैसा देखा आपने? रिस्पॉन्स बहुत अच्छा देखा, लेकिन जो इसका जो ये प्रोजेक्ट है स्टेट फुटबॉल एकेडमी का ये पूरे 22 डिस्ट्रिक्ट में
इसकी जो ब्रांचेस रहेगी, तो उसमें एक बांडीपुरा भी आता है, तो बांडीपुरा में भी एक एकेडमी रहेगी स्टेट फुटबॉल एकेडमी की। तो वो पहले हमने जो सेटअप किया है वो कश्मीर में श्रीनगर में किया है, तो हाल ही में उसके बाद जैसे भी द पैसेज ऑफ टाइम हम देखेंगे कि आगे आगे बढ़ेंगे रिस्पॉन्स कैसा रहेगा। और जहाँ तक ग्राउंड्स का ताल्लुक है, हाँ मुझे लगता है कि ग्राउंड्स की बहुत ज़रूरत है जो पूरे जम्मू एंड कश्मीर में, और स्पोर्ट्स काउंसिल को या गवर्नमेंट को उस पर ध्यान देना चाहिए। अगर हमारे पास ग्राउंड नहीं है तो हमारे पास खिलाड़ी होने का कोई सवाल नहीं है, क्योंकि लोअर एज ग्रुप्स के जो बच्चों को आपने मुंतखब किया, तो जाहिर बात है कि एक स्क्रीनिंग वगैरह हुई होगी। तो मुझे बताइए कि आज़ने के लिए कैसी आप करेंगे, क्योंकि अकेले तो आप सबको फीड नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी जो रहबरी होनी चाहिए और जो कोच वगैरह होंगे वो कैसे करेंगे, क्या शेड्यूल वगैरह रहेगा? पहले तो हमने जो इसका ऐड दिया था स्टेट फुटबॉल एकेडमी का, कि हमने पहले ट्रायल्स की थी, इसमें 6 दिन की हमने ट्रायल ली और 13, 15 और अंडर 18 एज ग्रुप के लिए, तो उसमें कम से कम 1000 बच्चे आए, और 1000 बच्चों में से हमने सिर्फ 100 बच्चे ऐसे सिलेक्ट किए जो जिनमें हमको लगा कि इनमें अच्छा टैलेंट है और ये एकेडमी के लिए सूट करेंगे। और जो बच्चे रह गए वहाँ पे, कम से कम 900 बच्चे, उनके लिए हमने एक फुटबॉल स्कूल यहाँ पे रखा है, क्योंकि हम समझते हैं कि उनका जो बेसिक है वो अभी उसमें कम है, और वहाँ पे उनका हम बेसिक ठीक करेंगे, और जैसे वहाँ पे वो इम्प्रूव होते हैं उनको हम सीधा एकेडमी में डालेंगे, और जैसे एकेडमी अच्छे परफॉर्म करेगी, वो एकेडमी का मकसद यह है कि वो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के जितने भी रजिस्टर्ड टूर्नामेंट्स हैं वो खेलें, और वहाँ से जो हमको प्रोडक्ट्स मिले उनसे हम एक आई लीग टीम बनाएं, ताकि ये जो सिलसिला है स्कूल एकेडमी ये कंटिन्यूस रहे, और जो बच्चा परफॉर्म करता है, जो बच्चा अच्छा परफॉर्म करेगा उसको हम बाहर या बाहर की एकेडमीज में या बाहर के क्लब में डायरेक्ट। या साहिद साहब आप मैं राय साहब से बात जारी रखिए, एक कॉलर हमारे साथ कॉल ड्रॉप हो गई, एक कंटिन्यूस प्रोसेस की जी कंटिन्यूस प्रोसेस रहेगी। प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, मतलब जम्मू एंड कश्मीर स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल का प्रोजेक्ट है, तो इसमें कोई रुकावट नहीं आएगी, क्योंकि हम भी काम करेंगे और हमारे पास टेक्निकल स्टाफ भी होगा, क्वालिफाइड कोचेज होंगे, तो मैं भी हूँ इसके साथ। तो मैं चाहता हूँ कि मतलब ये एक ऐसी एग्जाम्पल रहे हमारे कश्मीर के लिए, जहाँ पे एक ऐसा प्लेटफॉर्म बने हर किसी बच्चे के लिए जो यहाँ पे आए और खेले और उसको कोई अफसोस ना हो, वो आगे बढ़े। एक बात मेरा अच्छी ये भी मुझे लगी कि जहाँ मिनिस्टर साहब भी वहाँ स्पोर्ट्स के वहाँ पर मौजूद थे, एक तो ये कि माली जो मुआवनत थी उसके बारे में उन्होंने कहा कि 2 करोड़। साहिद साहब माली मुआवनत की बात होती रहेगी, अब कॉलर जुड़ गए हैं, कॉल ले लेते हैं। हेलो जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन है और कहाँ से बोल रहे हैं सर? हम सर सोपोर से बोल रहे हैं, मुश्ताक अहमद कोच। फरमाइए मुश्ताक साहब। सर आप ठीक हो? जी शुक्र खुदा का, फरमाइए। सर हमारा सवाल ये है कि मेरे साहब को ये करना है, एकेडमी बनानी है। हेलो जी जो आप टेलीविजन का वॉल्यूम कम कर दीजिए, उससे थोड़ा बहुत सहूलियत हो जाएगी आपकी आवाज सुनने में। जी पूछिए अपना सवाल। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरे साहब को जो ये एकेडमी बनानी है ना जी, तो कहाँ तक ये महदूद रहेगी? ये श्रीनगर तक महदूद रहेगी या डिस्ट्रिक्ट बारामूला, बड़गाम है, बांडीपोरा है? तस्करा तो मेरा जी तस्करा तो मेरा समझ कि आप चाहे तो रिपीट। जी मुश्ताक साहब, मैंने इससे पहले भी बताया आपको, ये जो फुटबॉल एकेडमी स्टेट फुटबॉल एकेडमी बन रही है ये पूरे 22 डिस्ट्रिक्ट्स में बन रही है जम्मू एंड कश्मीर स्टेट की, तो यकीनन हम बारामूला और बांडीपोरा में भी इसकी ब्रांचेज होगी, तो लेकिन उसके लिए एक वक्त लगेगा, तो लेकिन उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। अच्छा दूसरी बात, मेरा ये भी लिंक्ड है कि चूंकि स्पोर्ट्स काउंसिल की माली मामनत है तो फाइनेंशियली मेरे ख्याल में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अच्छा दूसरी प्रॉब्लम यहाँ पर ये भी होती है कि जब एग्जाम्स का यहाँ पर होता है, कि जब हमारे एग्जाम होते हैं तो उस वक्त कॉम्पिटिशन भी होते हैं, तो मेरे ख्याल में एक बीच वाली राह निकल सकती है, चूंकि गवर्नमेंट का हाथ ऊपर है, तो इस जमीन में मेरे ख्याल में कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। यस ऑब्वियसली जब तक पैसा रहेगा, फाइनेंशियली हम लोग साउंड रहेंगे, तब तक एकेडमीज में फैसिलिटीज भी रहेगी, और मुझे यकीन है कि जेके स्पोर्ट्स काउंसिल ने ये जो कदम उठाया है तो मुझे कुछ सोच समझ कर ही उठाया होगा, और इसमें कोई मुझे फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं होगी। और जहाँ तक बच्चों के एग्जाम का सवाल है, मुझे लगता है कि उसमें हम कुछ रास्ता ऐसा निकाल सकते हैं, हमने जो बच्चे एकेडमी के मतलब सिलेक्ट किए एज ग्रुप में 30 है, वो उससे ज़्यादा हम सिलेक्ट करें, ताकि जो बच्चे एग्जाम्स में मसरूफ हो, बाकी बच्चों को हम उस टाइम में यूज़ कर सकें। अच्छा आई लीग बी डिवीजन का जहाँ तक ताल्लुक है, क्योंकि पिछले एक साल से हम कोशिशें कर रहे हैं, तो क्या आप समझते हैं कि एक सही रफ्तार से हम आगे बढ़ रहे हैं कि बड़े गोल्स अचीव करने के लिए पहले जूनियर लेवल पे हमें परफॉर्म अच्छे करने की जरूरत है? वेल हम तो बढ़ रहे हैं, टीम्स तो है यहाँ पे हमारे लिए, बहुत अच्छी बात है, लोन स्टार है और रियल कश्मीर हमारे पास है, और हम फख्र के साथ कह सकते हैं ये जो टीम है अभी आई लीग कॉम्पिटिशन में खेल रही है। लेकिन साथ ही साथ हमको ये भी देखना है कि और ज़्यादा टीमें होनी चाहिए यहाँ पे, और ज़्यादा एकेडमीज होनी चाहिए, और ज़्यादा ग्रास रूट सेंटर्स यहाँ पे खुलने चाहिए, जिससे कि हम हर चीज़ में डेवलपमेंट करें। साजिद साहब अब कॉलर जुड़ गए हैं, हम पहले कॉल एक ले लेते हैं। जी हेलो। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ए मजीद वानी अहमदनगर से।
फरमाइए मजीद साहब। जिना मैं मोडू साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि उन जैसा खिलाड़ी और कोई स्कोप है हमारी वैली में कि उन जैसा खिलाड़ी और भी निकल सके? ये रेलेवेंट क्वेश्चन है, ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था एक्चुअली जिसमें तो मैं अपने बारे को बताना चाहूंगा। बहुत बहुत गैप, बहुत इंतजार किया मेरा हमने आपका 16 साल शुरू में मैंने प्रोग्राम में बताया था कि 16 साल पहले आप यहाँ से वाद से बाहर चले गए थे और आप जमे हैं, लेकिन इन 16 साल के दौरान कोई खिलाड़ी पैदा न कर सके बावजूद कोशिशों के, तो क्या आप समझते हैं कि क्या कमियां आपको लग रही है कि सिस्टम में कुछ कमियां हैं, सिखाने में कुछ कमियां हैं, तो क्यों नहीं अब दूसरा मेरा दूसरा इश्फाक सामने आ रहा है? साजिद साहब मैं इतना बताना चाहूँगा, जब मैंने फुटबॉल स्टार्ट किया यहाँ पे, तो यहाँ पे ऐसे खिलाड़ी थे कि मेरे से बहुत अच्छे थे और बहुत अच्छे टैलेंटेड थे, लेकिन जब मुझे मौका मिला किसी प्लेटफॉर्म में तो मैंने ग्रैब किए, वो अपॉर्चुनिटी मैंने ग्रैब की और मैंने उस मौके का फ़ायदा उठाया। और हाँ, मुझे लगता है कि उसके बाद जब मैं और इश्फाक खेलने बाहर खेलने के लिए निकल गए उसके बाद ज़्यादा खिलाड़ी आए नहीं। हाँ, उसमें तो हमको कमी है, लेकिन वजूहत ऐसे होंगे कि मतलब यहाँ पे ज़्यादा फुटबॉल हुआ नहीं, कुछ तो हालात भी है ऐसे हैं, कुछ तो डेवलपमेंट का भी हम उस पर भी हम थोड़ा कह सकते हैं कि डेवलपमेंट ठीक से हुई नहीं है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जैसे अभी हमारा टैलेंट है यहाँ पे, मुझे उम्मीद है अगर हम ठीक से काम करेंगे और ईमानदारी से काम करेंगे तो इंशाल्लाह जो हम वो दिन दूर नहीं है कि जब हम देखेंगे कि कश्मीर से भी जो प्लेयर है वो बाहर क्लबों में खेले या नेशनल टीम। मैं समझता हूँ कि जो आपने फरमाया बिल्कुल सही फरमाया, मैं समझता हूँ कि आपकी मिसाल, आपको रोल मॉडल अगर हमारे जो अपकमिंग बडिंग जो फुटबॉलर्स वगैरह देखें, एक छोटी सी मिसाल मैं अपने नाज़रीन को ये देना चाहूँगा कि पिछला जो आईएसएल लीग का जो मुकाबला हुआ था चेन्नई की तरफ से महाराष्ट्र के लिए, और आप यकीन करिए कि लास्ट तक वो सबस्टिट्यूट नहीं हुए, पूरा 90 मिनट खेले, एक्स्ट्रा टाइम खेले और पूरे मैच खेले, तो ये राज है डेडिकेशन का, कमिटमेंट का और विकेट और मैदान पर टिकने का। तो अपनी उस फिजिकल फिटनेस को कैसे आप करते हैं और ये आगे बढ़ने की जो जुस्त जो आप करते हैं, तो कैसे आप इन बच्चों को आप बताएंगे क्या क्या करते हैं आप ताकि वो भी एक रोल मॉडल समझकर आपकी तकलीफ करें? वेल साहिजा, मैं आपको इतना बताऊंगा कि जब आप आईएसएल कंपटीशन खेल रहे हैं तो आपके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती हैं, और खासकर अगर आप पहले से कहीं पे खेले हुए हैं तो आपकी सबकी नज़रें रहती है वहाँ पे कि मतलब ये खिलाड़ी ऐसा है तो हम इससे ये एक्सपेक्टेशंस करते हैं, तो उससे मेरा जो जॉब है वो डबल हो जाता है। तो मेरी यही कोशिश रहती है कि जब भी मैं ग्राउंड में जाऊँ मैं अपना 100% दे दूँ, और जब मैं ग्राउंड से बाहर हूँ मैं सिंसियर रहूँ, और जब भी मैं मैचेस में खेलूँ मैं इतने एफर्ट्स दे दूँ कि मतलब 100% एफर्ट्स दे दूँ, और जो मुझे कोच कहता है मैं वो फॉलो करता हूँ। सो दैट मैं हमेशा अपनी जो गेम है वो सिंपल सिंपल रखता हूँ और 100% देता हूँ। साजिद साहब कॉलर जुड़ गए, हम एक और कॉल लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं मुजफ्फर बोल रहा हूँ, बटमालू से बोल रहा हूँ। फरमाइए मुजफ्फर, मेरा सर से मेरा ये सवाल है, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन उनके लिए और इश्फाक साहब के लिए भी जी। सर मेरा ये सवाल है आपसे जी, जी पूछिए, एज क्राइटेरिया क्या है इसके लिए? एज क्राइटेरिया जी, जिस स्टेज जी 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 जी, वैसे मैंने बता दिया कि हमारा जो एज क्राइटेरिया है 13, 15 और 18 एज हमने ग्रुप रखे हैं। ये ग्रुप हमने खुद नहीं रखे हैं, ये ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की गाइडलाइंस में जी गाइडलाइंस में रखे हैं। तो जो भी बच्चा इस ग्रुप को एलिजिबल करता है वो इस एकेडमी में आ सकता है। अगर ट्रायल्स हुई है तो ऐसी कोई बात नहीं है कि हम उस बच्चे को नहीं लेंगे। अगर कोई बच्चा हमको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगता है उसको हम एकेडमी में अभी भी ले सकते हैं, और जो बच्चा सीखना भी चाहता है वो हमारे स्कूल में आ सकता है। अच्छा, आईएसएल खेलने के फौरन बाद मेरे ख्याल में काफी 10-20 दिन आपने आराम किया होगा, तो फिर आई लीग में आपको मुंबई एफसी की तरफ खेलना पड़ा, तो कैसा रहा आज का आई लीग में मुंबई एफसी को रिप्रेजेंट करना? वेल आईएसएल के बाद तो मैं यहाँ पे आ गया था कश्मीर में, लेकिन इस बार कभी देर के बाद मेरी साइनिंग हुई थी, क्योंकि घर में भी कुछ ऐसे हालात है कि मैं साइन नहीं कर पाया। और जब मैंने साइन करने का डिसीजन ले लिया तो फिर मैंने मुंबई एफसी ज्वाइन की, और उस टाइम में मुंबई एफसी की जो टीम थी वो उनकी जो कंडीशन थी आई लीग में उनको टेबल डाउन में थे पहले से, और मैं जब गया मैं एज ए सेंट्रल डिफेंडर खेला, मैंने पूरी कोशिश की सब मैचेस खेले, और वही बात हो गई जैसे आईएसएल में हमारे साथ हुआ कि हम गोल स्कोर नहीं कर पाए और जिसकी वजह से मुंबई एफसी की टीम अच्छी वर्ल्ड कप की बात मुझे आपसे करनी, लेकिन पहले ये छोटा सा सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, राइट बैक की पोजीशन को तो आपने बिल्कुल अपनी पोजीशन बना ही दिया है, लेकिन बीच में ओवरलैप करके ये गोल स्कोर करना ये कैसे हो पाता है? साहिब साहब मैं
एक बात कहना चाहूँगा कि जब भी मैंने फुटबॉल खेला, जो कोच ने मुझे जो रोल दिया है, मैंने वो 100% अपनी तरफ से करने की कोशिश की है। और कोई कोच था कि उसने मुझे स्ट्राइकर खिलाया, किसी ने मुझे डिफेंडर खिलाया, किसी ने मुझे सेंटर मिडफील्डर खिलाया, और अचानक से कोई कोच आया उसने मुझे बोला आप राइट विंग बैक खेलो, तो मेरे लिए ऐसी कोई बात नहीं है। जब मैं जो भी पोजीशन मुझे हमेशा मिलती है, मैं उसमें हमेशा सिंसियरिटी से काम करता हूँ और उसमें खेलने की कोशिश करता हूँ। अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप बहुत बड़ा टूर्नामेंट हमारे मुल्क में मुनक़द होने जा रहा है, तुम 2-3 साल से तैयारियों में लगे हैं कि कुछ कोई ऐसी टीम बने जो वहां पर रिप्रेजेंट करे, तो क्या आप समझते हैं कि अभी बहुत दूर है वो जो ख्वाब एक है हमारा कि इंटरनेशनल लेवल, हालांकि 100 का जो रैंकिंग है वो हमने अचीव की है, तो क्या आप समझते हैं कि अभी हमें बहुत कुछ करना है, क्या प्रोस्पेक्ट सब समझते हैं कि कौमी टीम की अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप में? जो फीफा वर्ल्ड कप फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे इंडिया में हो रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। इससे क्या होगा कि सबसे पहले हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप हो जाएगा, और जो हमारी अंडर 17 की टीम है वो काफ़ी देर से बाहर एक्सपोजर मैचेस खेल रही है। हाल ही में उन्होंने इटली में एक मैच खेला, उस पर 2-0 जीते, काफ़ी अच्छे से तैयारी चल रही है। मैं समझता हूँ कि किसी हद तक हम भी तैयार हैं, और कंपटीशन इंडिया में हो रहा है, होम एडवांटेज है, क्राउड होगा, क्राउड सपोर्ट होगा, और हमारी टीम को देख खेल के देखेंगे, खेल मौका मिलेगा, देखेंगे कि मुझे एक्सपेक्टेशंस हमारी टीम पे है इंडिया में अच्छा करेगी, तो आई होप कि वो अच्छा करे और हमारी जो कंट्री है उसका नाम रोशन करे। अच्छा, आईएसएल के बारे में थोड़ा बहुत जानना चाहेंगे कि क्या प्रोस्पेक्ट्स है अब इस साल? क्या इस साल तो मैं अभी आईएसएल के साथ जुड़ा हूँ, अभी चेन्नई एफसी के साथ मेरा अभी भी कॉन्ट्रैक्ट है मई तक, और अभी तक मैंने उसके बाद मैंने डिसाइड नहीं किया कि मैं क्या करूंगा, और रूल्स भी अभी आईएसएल के सामने नहीं आए हैं, और जैसे रूल्स आएंगे सामने तो उसी हिसाब से मैं डिसीजन ले लूंगा। अच्छा, कोचिंग का जहां तक ताल्लुक है, एकेडमी तो है आपकी, वो तो आप ले लिया, इसके अलावा भी जो भी हमारी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है बडिंग फुटबॉलर्स की, तो क्या आप समझते हैं कि आप कंट्रीब्यूट करेंगे उनके लिए जब जब भी कभी आपको मौका? जी जरूर करूंगा, लेकिन मेरा एक ही सेगमेंट यहाँ पे रहेगा जो स्टेट फुटबॉल एकेडमी है, मेरा ज्यादा से ज्यादा टाइम मुझे वहां पे देना है, वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है मुझे स्टेट ने, तो मैं चाहूंगा कि मेरा पूरा वक्त वहां पे हो, और मैं चाहूंगा कि वहां पे ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ी वहीं से हमको निकले, और अगर उसके बाद मुझे टाइम मिलता है तो यकीनन मैं जाऊंगा। किसी भी खेल में तब तक आप बुलंदियों को नहीं छुपाएंगे जब तक आपको तरबियत देने वाले मौजूद होंगे, तो कोचिंग के बारे में भी आप समझते हैं कि कोचिंग में भी हम एक लड़कों को आगे लाना चाहिए ताकि इस एस्पेक्ट को वो भी ले? जी जरूर, क्योंकि जब तक हमारे पास क्वालिफाइड कोचेस नहीं रहेंगे तो तब तक तो मुझे लगता है कि इम्प्रूवमेंट का सवाल नहीं है। हमारे पास आज क्वालिफाइड कोचेस है, साजिद यूसुफदार है, हिलाल रसूल परे है, तो मतलब ऐसे कोचेस है हमारे पास, या तो सतपाल सिंह है या मंजूर डार है, ए लाइसेंस कोच है, हमारे पास अभी कोचेस है यहाँ पे जिनको हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ हमको वो कोचेस भी तैयार करने हैं, क्योंकि हमारे कश्मीर का फुटबॉल, जम्मू एंड कश्मीर का फुटबॉल बहुत बड़ा है और कोचेस की मतलब ज़रूरत ज़्यादा है, और साथ ही साथ हमको वो लड़के भी तैयार करने हैं जो कोचिंग में इंटरेस्टेड है। जाते जाते 2-3 जुमले जो बडिंग फुटबॉलर्स से उनको क्या बताना चाहते हैं? यही बताना चाहूँगा कि हमेशा से बताता आया हूँ कि मतलब मेहनत करो, लेकिन अभी वो मैं नहीं बताऊँगा, मैं बताऊँगा एक स्टेट फुटबॉल एकेडमी जो हमारी कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर में आई है, अगर आप में टैलेंट है, अगर आप इसमें एलिजिबल हो, आप इसमें आओ, आपको यहाँ पे बेस्ट से बेस्ट ट्रेनिंग मिलेगी, बेस्ट से बेस्ट कोचेस मिलेंगे, बेस्ट से बेस्ट फैसिलिटी मिलेगी, और यहाँ पे आपके इम्प्रूवमेंट के 100% चांसेस है, और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे आप बाहर जा सकते हैं। मेरा बहुत खुशी होती है जब भी आप हमारे बीच होते हैं, क्योंकि आपकी बातें जब हम सुनते हैं तो हमारे हौसले बहुत बुलंद जाते हैं। फिर कभी आपको बुलाएंगे, फिर आपसे बात होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए। आइए चलते हैं इमरान गुल के पास। जी नाज़रीन, अब हम बात करते हैं उस खिलाड़ी की जिसकी आज बायोग्राफिकल फिल्म रिलीज हुई। दुनिया भर के क्रिकेट लवर्स गुज़श्ता कई हफ्तों से काफ़ी बेसब्री के साथ आज यानी 26 मई का इंतज़ार कर रहे थे। वजह इसकी ये है कि आज दुनिया क्रिकेट के एक बहुत बड़े सितारे, यूं कहिए कि सूरज या मेगास्टार सचिन रमेश तेंदुलकर की बायोग्राफिकल फिल्म या बायोपिक रिलीज़ हो गई। मुख्तलिफ सिनेमाघरों का हाल ऐसा हो गया जैसे क्रिकेट स्टेडियम सनसनीखेज मैचेस के दौरान होते हैं। चाइल्ड प्रोडिजी, बिल्कुल कम उम्र से एक स्टार होने की पूरी इंडिकेशंस, स्कूल क्रिकेट हो या फर्स्ट क्लास क्रिकेट हो या इनकी डेब्यू सीरीज हो, एक टीनेज लड़का जिसने दुनिया को हैरान कर दिया, 1989 में टेस्ट डेब्यू के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा। सर डोनाल्ड ब्रेडमैन कहते हैं, मैंने अपनी शरीके हयात को बुलाया और कहा कि आप आइए और देखिए टेलीविजन पर जो ये लड़का खेल रहा है, आप ऐसा समझो कि जैसे मैं खेल रहा हूं। 17 साल की उम्र में इंग्लैंड में अपनी पहली टेस्ट सेंचुरी स्कोर की।
दुनिया के सभी बॉलर्स ने इनकी अजमत का लोहा माना। एक बेहद अच्छे ह्यूमन बीइंग जिनकी तारीफ सभी करते हैं कि इतने बड़े खिलाड़ी होने के साथ साथ इतने नर्म तबीयत और नर्म दिल शख्स देखे नहीं हैं। जिन्होंने भी इनके साथ खेला उन्होंने इनकी अजमत को माना। आलमी रिकॉर्ड 200 टेस्ट मैचेस, 463 वनडे मैचेस और सबसे ज्यादा 34,347 रन, 100 इंटरनेशनल हंड्रेड्स, 164 फिफ्टीज और इसके अलावा 200 इंटरनेशनल विकेट्स और साथ ही साथ टेस्ट वनडे मैचेस और टी20 मैचेस में 255 शानदार इंटरनेशनल कैचेस। इस बायोपिक फिल्म के जरिए इस लेजेंड की प्राइवेट लाइफ के ऐसे लम्हात शायकीन क्रिकेट और फैंस को देखने को मिलेंगे जो कभी भी उन्होंने नहीं देखे थे। इसमें खास बात यह है कि तेंदुलकर ने जो अपने मोबाइल फोन से कुछ खास लम्हात कैप्चर किए हैं अपनी प्राइवेट लाइफ के, वो भी मंजरेआम पर आएंगे। और उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा लम्हा जब वर्ल्ड कप 2011 उनकी मौजूदगी में भारत ने जीता। 1992 में उन्होंने 19 साल की उम्र में पहला वर्ल्ड कप खेला था और उनका ख्वाब तब भी था कि भारत उनकी मौजूदगी में वर्ल्ड कप जीते और 2011 में बिलाखिर इस लेजेंड का ये ख्वाब पूरा हुआ। वो आने वाले सभी जनरेशन्स के लिए एक मिशल राह हैं। तो नाजरीन, ये थी बात उस बायोपिक की जो आज रिलीज़ हुई। उम्मीद है हमें भी जल्द ही मौका मिलेगा और हम भी ये बायोपिक देखेंगे और पसंद करेंगे इस लेजेंड खिलाड़ी की। और नाजरीन, इससे पहले कि आपसे इजाज़त ले, हम आपको याद दिलाएंगे कि आप अपनी आरा और आप अपनी सजेशंस जो हैं वो हमें मेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है ddksrinagar@gmail.com। इसके अलावा आप हमें मेल कर सकते हैं ddksrinagar.jk@gmail.com पर भी। नाज़रीन, इसके अलावा आप हमें सोशल मीडिया के ज़रिए भी पा सकते हैं। फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर आप हमसे रब्ता कायम कर सकते हैं। फेसबुक पर आप हमें पा सकते हैं facebook.com/ddkashyap चैनल पर। हमारा ट्विटर हैंडल है twitter.com/ddkashyap चैनल और यूट्यूब पर youtube.com/c/ddkashyap। तो नाजरीन, ये था आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मेराज, आप हमारे स्टूडियोज़ में आए, हमें बहुत खुशी हुई। उम्मीद है नाजरीन को भी काफ़ी खुशी हुई होगी। आपका बहुत शुक्रिया आप स्टूडियोज़ में आए। शुक्रिया इमरान। इसके अलावा इमरान बशीर ने लोकल स्पोर्ट्स राउंडअप जो है आपकी खिदमत में पेश किया। इमरान बशीर आपका भी शुक्रिया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। तो नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। आइंदा प्रोग्रामों में भी आपके साथ मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।